स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन गौर से देखिए पहले ये आदमी बदसूरत था इससे कोई बात नहीं करता था अब ये कितना खुश है क्योंकि अब ये सुंदर हो गया है क्योंकि इसने लगाई है प्रिटी एंड पगली ब्यूटी क्रीम ये दो ही हफ्तों में इतना सुंदर बन गया अगर ये सुंदर बन सकता है तो आप भी सुंदर बन सकते हैं जल्दी से लगाइए प्रिटी एंड पगली ब्यूटी क्रीम टिंग टोंग माशाल्लाह क्या खूबसूरत नौजवान है हमारी बहन के लिए इससे बेहतर दूल्हा मिल ही नहीं सकता भाई जरा हम घर होके आते हैं क्या है कि बड़ी कूद लिया ना बहुत तो लघु शंका सी हो रही है अब तेरा भला हो जाइए जल्दी जाइए जल्दी आइएगा हाँ जी मलखान जरा आओ इधर शॉर्ट बताओ मुझे क्या शॉट बचा पेलू को समझा दो कि नेक्स्ट शॉट कौन सा लगाना है फिर हम ये लगा लेंगे ठीक है पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर भैया आप यहाँ पर आकर बैठिए ना क्यों मेरे पीछे बैठने से कुछ प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम आपको तो नहीं है लेकिन मुझे तो हो रही ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों का ड्राइवर बन के चल रहा हूँ ये आप क्यों कर क्या मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं आप चुपचाप गाड़ी चलाइए ना यार प्रॉब्लम क्या है आपको लाइफ में भाभी जी चिप्स खाइए बनाना चिप्स अरे केले के चिप्स यस आम को बहुत पसंद है प्लीज खाइए भाभी जी बहुत टेस्टी है अबे जी वो टेस्टी होता है सही पकड़े हैं भैया जरा मुझे भी चिप्स चिप्स खिलाओ सिर्फ भाभी जी को अकेले अकेले खिला रहे हो आप घर गाड़ी चला बढ़िया चिप्स खाने वाले अदिया देखिए बरबूती जी कितना घना जंगल है भाभी जी पूरा जंगल घुमाऊंगा आपको ए टू जेड सब कुछ दिखाऊंगा आपको हमको ना शेर देखना है शेर अभी आपको शेर भी दिखाऊंगा सवा शेर भी दिखाऊंगा चीता भी दिखाऊंगा लोमड़ी भी दिखाऊंगा और भालू भी दिखाऊंगा क्या भालू दिखाएंगे यस भाभी जी और आपके साथ में फोटो खींचूंगा भालू की भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही क्या बात समझ में नहीं आ रही बे यही कि हम लोग जंगलों में लोगों का इलाज करने जा रहे हैं कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं इलाज आप कीजिएगा पिकनिक हम मनाएंगे यार विभूति भैया आप तो कमाल कर रहे हो मुझे लग रहा है कि आप जरूर मेरी बैंड बजवा दोगे आपको लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है अरे डॉक्टर साहब दान से ना ही लीजिए हाँ हम ना वहाँ लोगों का इलाज बहुत अच्छे से करेंगे है ना थैंक यू भाभी जी आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है लेकिन विभूति भैया पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है भरोसा नहीं तो जाओ गुइया के खेत में क्या अबे गाड़ी चला चुप करके यार बड़े आके आके अबे गाड़ी को रोक दी बे आप अपना दरवाजा खोलिए और इसी वक्त मेरी गाड़ी से उतर जाइए अब आगे मैं और भाभी जी सिर्फ जाएंगे मैं यहाँ कहाँ उतरूंगा यार ये तो जंगल है बे पता जंगल है भाई ऐसा मत करो भाई ऐसा मत करो यार जंगल में छोड़ो यार प्लीज मैं कहाँ जाऊंगा आप शेर चीते के साथ फोटो खिंचाइए भालू की पीठ पे सवारी करिए और एंजॉय करिए जंगलों में ठीक है ये कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब आप मैं तो मजाक कर रहा था यार इस तरह का घटिया मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तो नहीं करूंगा ना यार फिर नहीं करूंगा शांत हो जाइए देखिए डॉक्टर साहब वो तो ऐसे मजाक कर रहे थे ना ले चलिए बरबूती जी को हाँ ठीक है भाभी जी आप कह रही हैं तो मैं इनको ले चलता हूँ लेकिन जरा इनको समझा दीजिए कि आगे जंगल में जो ना इस तरह की बदतमीजी ना करें क्योंकि संकटपुरा के जंगलों की हिस्ट्री जो है बहुत खराब है वहाँ पर जरा संभल कर रहें दिया अब हम आपका मतबल समझे ना ही डॉक्टर साहब भाभी जी क्या है ना कि हम जिन जंगलों में जा रहे हैं ना उसकी हिस्ट्री बहुत खराब है वहाँ पर लोग जाते तो हैं लेकिन ज्यादा करके वापस नहीं आते वापस नहीं आते का मतलब अब क्या है कि यहाँ पर गाड़ी हमको खड़ी करनी पड़ेगी और यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा पैदल क्यों जाना पड़ेगा बे क्योंकि भैया आगे बिहाड़ है गाड़ी नहीं जा पाएगी चलिए उतरिए तो ठीक बा हाय कितना हसीन नौजवान है ओ वाओ सो हॉट हाँ बुआ अब तुम
लार इन पर मत टपकाओ। पापा ने खास मेरे लिए शहर से मंगवाया है। That's right. चल हट मुई। मैं बड़ी हूँ। मेरा हक पहले है। बहन नगीना, इस नौजवान को हमारी बेटी नीलम ने पसंद कर लिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी हम हूबहू इसी तरह का नौजवान मंगवा के देंगे। I'll get one for you too. हुई हुई। हुई हुई। शहजादे मोती, इसे होश में लाओ। वेक है माप। हुई हुई। जी पिताजी हुजूर। अरे भाभी जी, आप काहे परेशान? ये हम कहाँ आ गए? वाह वाह, जुबान पर क्या उबूर है। नौजवान, तुम्हें जहाँ पहुँचना चाहिए था, आज तुम वहाँ पहुँच गए हो। You have reached your destination. हुई हुई। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार हैं और मैं तुम्हारा होने वाला साला। और हम तुम्हारे होने वाले ससुर और वो तुम्हारी होने वाली बीवी, योर ब्राइड टू बी। हुई हुई। हमारी होने वाली बीवी? अरे भाई, हमारी तो ऑलरेडी हो चुकी बीवी है। हाँ तो क्या हो गया? हमारी भी दस दस हो चुकी बीवियां हैं और अब हम 11वीं की सोच रहे, प्लानिंग फॉर द 11th। हुई हुई। देखिए क्या है कि आप दरअसल हमें गलत पार्टी समझ रहे हैं, और आप जो समझ रहे हैं ना, दरअसल वो हम हैं नहीं। हम जंगली नहीं है। अरे भाई, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास तो कीजिए। लाहौल में लाकुवत, ये तो वही बात हो गई कि सामने लाश पड़ी है, हाथ में खंजर है, खंजर पे खून, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बेकसूर हैं। भाई हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। हम तो क्या है ना, वो भाभी जी के साथ विज्ञापन फिल्म कर रहे थे, तो बस उस विज्ञापन फिल्म की वजह से हमने ये भेष धारण किया है। देखो नौजवान, हम ये फैसला कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी हमारी बेटी नीलम के साथ होगी और वो होके रहेगी। और अगर तुमने इनकार किया तो हमने एक शेर पाल रखा है जो हमेशा भूखा रहता है। हम तुम्हें इस भूखे शेर के सामने फेंक देंगे। आई विल थ्रो यू इन फ्रंट ऑफ द लायन ग्लेडिएटर। हुई हुई। आई हमको कहाँ ले आए? हाँ, कहाँ ले आए? संकटपुरा के जंगलों में आपका इस्तकबाल है। यू आर वेलकम। हुई हुई। कौन सा बाल है? भाभी जी वो कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। हम खैरियत से हैं, कातिल हसीना, डेडली वुमन। हुई हुई। हमरा नाम हसीना नहीं है, हमरा नाम अंगूरी है। वाह, क्या नाम है अंगूरी, काफी हसीन नाम है। अगर नाम अंगूरी है तो नशा भी गजब का होगा। यू मस्ट बी वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। हुई हुई। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, समझे ना आप? You better mind your language, okay? अम्मा, आप कौन जाते शरीफ है? Well, इस खाकसार को दुनिया फानी में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से रुस्वा किया गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या जुबान पर उबूर है, क्या उर्दू बोल रहा है, और हसीन भी है। ये कौन बला है? ये हमारी बहन है नगीना। नगीना, तुम्हारे चेहरे पे आया पसीना देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हें ये इंसान पसंद है। यू लाइक हिम। हुई हुई। हाँ भैया, हुई हुई, हुई हुई। ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें ये तोहफे में दिया। यू कैन मैरी हिम। हुई हुई। एक्सक्यूज मी, मैं कोई माइक्रोवेव हूँ, कोई कुकिंग रेंज हूँ, कोई फ्रिज हूँ, जो आपने मुझे तोहफे में दे दिया? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, and I'm very happily married.
मुझे कोई और शादी नहीं करनी, इज दैट क्लियर? अभी जी वो अपहरण होता है, ऐसे शब्द बोल के आप इन जंगलियों का आइडियाज मत दीजिए प्लीज। ऐसे ही पकड़े हैं और देखिए ना, हमको ये लोग यहाँ जंगल में उठा लाए। इसका जिम्मेदार जरूर ये डॉक्टर का बच्चा होगा। तू भी डॉक्टर के बच्चे, काहे ले गया तू अंगूरी को यहाँ? भैया इसमें मेरा क्या कसूर, हम तो घर से सोशल सर्विस करने के लिए निकले थे ना, अब हमें क्या मालूम था यहाँ आकर इतना ज्यादा रायता पाल जाएगा। गुइया के खेत में गई तेरी सोशल सर्विस। अच्छा तुम आ गई हप्पू सिंह को लेके। हप्पू सिंह जी, इन जंगलों ने मैं कैद कर रखा है। यू टेल देम, यू फुलिश मैन, प्लीज टेल देम, यू आर अ पुलिस मैन, टेल देम। अरे का टेल देम कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सारे, हम खुद फंस गए, कहां से बचा ले तुम्हें। अरे बाबा आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, हम लोग परिवार वाले लोग हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। वाह 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 वाह, कितनी हसीन औरत है, व्हाट अ लवली लेडी। हुई हुई पिताजी, हुजूर आप इस औरत पे अपनी नियत खराब मत कीजिए, इसे तो हमने अपने लिए पसंद कर लिया है। शहजादे मोती ठीक है, ये छुई मुई तुम्हारी हुई हुई, she's yours, हुई हुई। अनीता जी, अगर सच में वो जंगली लड़की का शादी लटके भैया के साथ हो जाएगा? सच है अंगूरी जी, और ये भी सच है कि आपकी शादी उस पागल जंगली बुड्ढे के साथ होने वाली है। हाय दिया, आओ, ये तो हम भूल ही गए थे। अरे आप कैसे भूल गई थी, मेरा तो यही सब सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। बताइए कमबख्तों ने हमारे रिश्ते ही बदल डाले। हाँ दिया, अगर ये शादी हो गया ना तो उसके हिसाब से अलटू के भैया हमारे दामाद हो जाएंगे। और विभु, कैन यू इमेजिन, वो मेरा फूफा ससुर हो जाएगा। और भरभूति जी हमारे नंदोई हो जाएंगे। तिवारी जी मेरे नंदोई। हाय दिया, का आपको ये नया रिश्ता मंजूर है? अरे क्या मंजूर है, ऐसे रिश्ते बनाने से अच्छा तो है कि मैं ना उन सबको गोली से मार दूं। हम भी मार देंगे गोली से। तिवारी भैया, विभूति भैया, वैसे कुछ भी कहो, जंगल का मौसम बड़ा सुहाना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इन हसीन वादियों में एक छोटा सा आशियाना बना के हमेशा के लिए यहीं पे बस जाऊं। क्या ख्याल है आपका? तिवारी जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। You are solely responsible for this. क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी वजह से कैसे हुआ ये सब बताइए। जो आपने ये भेस बता रखा, जंगलियों का भेस, just because of this. क्योंकि भाभी जी को भेस पसंद है। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? जी हाँ, हमने कहा कि भाभी जी को भेस पसंद है, भाभी जी को ये जंगली गेटअप पसंद था, उनकी उनकी वजह से, उनके कहने पर हमने भेस धारण किया है। Don't tell me. ये रोल मैंने रिजेक्ट किया था जो आपने एक्सेप्ट किया। अरे जाइए, बोल तो ऐसे रहे जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं आप। जी हाँ, हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, समझे? डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक, समझे आप? क्या चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक की बात कर रहे हैं आप? अरे 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 अरे, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? इतना अच्छा मौसम, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के लोग है ना, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है माहौल, और आप लोग ये इंजॉय करने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। तू मैं, एंजॉय करिए जंगल का मौसम, आहा क्या मजा। सब आपकी वजह से हुआ, समझ गए ना? फालतू की बकबक बंद कीजिए आप अपनी। बकबक आप बंद करिए अपने, समझे ना आप? आज अन्नू यहाँ फंसी है जंगल में बिकॉज ऑफ यू, यू आर डैम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, हम रिस्पॉन्सिबल है? Yes. हम रिस्पॉन्सिबल है? Yes. अरे आप आ, आ, आप जो यहाँ अंगूरी को फंसा के ले आए, उसके जिम्मेदार कौन है? जी नहीं, मैंने नहीं फंसाया भाभी जी को, उनको फंसाया इस आदमी ने, इस डॉक्टर के बच्चे ने फंसाया। तो मारो साले को, किसी को मारो। सारे लुच्चे, तू यहाँ ऐश कर रहा है और हुआ हम लोग परेशान है। लेकिन अम्मा जी, मैंने क्या किया? तुम ये जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरा ख्याल है हप्पू सिंह भी यहीं कहीं होगा, हमारी आने की खबर सुनकर चूहे की तरह बिल में कहीं छुपा होगा। हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, जहां कहीं हो जल्दी से बाहर आ जाओ। अजी हुजूर। अजी हुजूर, हप्पू सिंह हुजूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये तो बताइए कि कयामत क्या आई है? हमारी बहुरिया नहीं मिल रही है।
ना हमरा बैल मिल रहा है, ना वो गोरी बिटिया मिल रही है और ना वो नल्ला मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सबके साथ। अरे भैया, अरे दादा, मम्मी। हुई 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 सरदार, जुक्का कर रहे हैं आगे ना, हमें छोड़ दो ड्यूटी पे जाने। हम तुम्हें मसाला लगा रहे हैं। We are marinating you. हुई हुई। ये marinating क्या होता है सरदार? Marination करने से गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। सरदार, वो की जो चमड़ी है ना, वो बहुत मोटी है, तो वो आसानी से ना गलेगी, मुझे छोड़ दो आप। हाँ हाँ, हुई हुई सरदार। असल में हम बहुत मोटी चमड़ी के हैं, हम कसम खा के कह रहे हैं, दुनिया के सारे जितने गंदे काम हैं, भी हमने सब करे, हमें छोड़ दो। सुभान अल्लाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमें ऐसे इंसानों के गोश्त बहुत लजीज लगते हैं। ओ भैया ठीक है, ये सारे कैसे आदमी है यार, लजीज लगते है, लजीज लगते है। अरे पूछ लो हमसे सारे, हमें कैसे लगते है। अरे दादा, बिल्कुल सही फरमाया शहजादे ने, शरीफ लोगों का गोश्त एकदम फीका फीका होता है, उसमें कोई मजा नहीं होता, इट्स टेस्टलेस। जबकि गुंडे बदमाशों और छिछोरों का गोश्त बहुत ही लजीज होता है, डिलीशियस। हुई हुई। सरदार चचा, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। एक क्यों, दो बात कहो, जो भी आखिरी ख्वाहिश है कहो, मेक योर लास्ट विश। हुई हुई। मैं क्या कह रहा था, इन सब छिछोरों में ना एक मैं ही पैदाइशी शरीफ हूँ। इन चीजें से शरीफ है, जरा बकवास मत कर। एक नंबर का लीचड़ और घटिया आदमी है तू। सरदार अंकल, इन तीनों में है ना, इन तीनों में सबसे शरीफ मैं हूँ। मैं सारे करवे, तूने अपनी शकल देखी शीशा में, थोबड़ा देखो है। ना तेरी शकल अच्छी चिंपांजी, और ना सारे तू इंसान अच्छा आगो। सरदार जी, मैं बहुत अच्छे आदमी आगो, एक नंबर को खानदानी। हरी मोरी भैया। अरे चुप कर, सारे जो मुंह और मसूर की दाल। हुई हुई सरदार, असल में जिस दिन भर लौंडियां छेड़ते हैं, हमने आज तक कछु ना करो। बड़े शरीर जादे बड़े दरगाह जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। आपने तो अपनी साली तक को न छोड़ो है, घटिया इंसान है, एक नंबर के। सारी बना जाइए, सारे सारी बना जाइए हमारी। चारों के चारों छटे हुए गुंडे बदमाश और छिछोरे हैं। इनके गोश्त को खा के बहुत मजा आएगा, ग्लटनी। हुई हुई। सरदार अंकल, का कछु मसालो वसलो लगानो है मेरे नाल लगानो? तुम्हारे शरीर में मसाला नहीं लगेगा। काहे? क्योंकि तुम हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक हो। मम्मी। हुई हुई। मम्मी, मोरी मैया। आराम से चलाओ दादा। अरे तुम पीछे, बहुत गर्म लग रहे हो मैया। अरे जो गर्म गर्म है, आराम से मारो, आराम आराम आराम। अरे दादा, भैया महाराज, जो सारू सरदार ने हमें देख के कह दी थी, जो हप्पू बड़ो लजीज है, तो सर बाको मतलब हमें तबे समझ में ना आओ, लेकिन अबे समझ में आ रहा हो, कहो रहो जो। भैया सुनो, ओ महाराज, हमें ऐसा लग रहा हूँ जी सारी जंगली हमें रोटी में पेल जाएंगे आराम से, हमारे नौ नौटे के बच्चे और प्रेग्नेंट बीबी को कहोगो। अरे औरतों की तरह क्यों रो रहे हो दरोगा जी, कहाँ गई तुम्हारी दरोगा ही? कसम से कह रही हूँ, कुछ देर के बाद चटकारे ले लेके खा जाएंगे और डकार भी ना लेंगे पुतनी के। आई क्या कह रही है तू? अ टिल्लू, मेरे यार देख लीजो, इन जंगलियों को ना हम पचेंगे नहीं, इनके पेट चल जाएंगे, देख लियो तू। मोरी भैया, आगो बाकू लौंड आगो। कसु, हाय, हेलो। हांसामा जी। हजूर, हप्पू बिरयानी में थोड़ा नमक कम है, इसका नमक बढ़ाओ। जी हुजूर। खावा दुरुण दुरुण दुरुण। खावा दिन हजरत,
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कबीले का जश्न आज पूरे शबाब पर है, इट्स इन फुल स्विंग। अनीता जी, ये शबाब का होता है? शबाब मतलब जवानी। हाँ ठीक बा, लेकिन ये सब कहाँ चल रहा है ना, अमरीका चिटाई समझ आ रहा है? समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा अंगूरी जी, मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। दिवाली जी, क्या आप चाहते हैं कि भाभी जी की शादी इस मुस्टंडे से हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो तलवार उठाइए और टूट पड़िए इन जंगलियों पर। चाहते तो आप भी नहीं है ना कि भाभी जी की शादी मुस्टंडे के साथ हो, तो फिर आप कहीं तलवार उठा के टूट पड़ते इन जंगलियों पे? क्योंकि मेरी हथेली पे किसी का खून नहीं लिखा हुआ है। हमारी हथेली पे 10-10 खून लिखे हैं क्या? आपके माथे पे भी लिखा हुआ है। ये एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे खानदान में 4-4 शादियां हो रही हैं। खुद हमारी, हमारे शहजादे मोती की, हमारी बहन नगीना की और हमारी बेटी नीलम की। जब से आप मेरे अजीज हो गए, बदतमीज से हम तमीज हो गए। पहले न भाते थे हमको सीख कबाब, पर अब सीख कबाब हमें लजीज हो गए। वाह 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 वाह। जी, इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे जितनी आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग पेड़ों पर भी हो सकते हैं। वाह नगीना, क्या शेर कहा है, बहुत अच्छी जमीन है। टांग तोड़ दी उर्दू की। अब मैं चाहूंगा कि अपनी दुख्तर यानी के हमारी बेटी नीलम अपने दिल से कुछ जज्बात निकाल कर पेश करे। Bring emotions from your heart. हुई हुई। ये आपकी वाली। तेरे आने से मेरे इश्क ने ली है जोरदार अंगड़ाई, तेरे खून से नहाऊंगी ऐ जालिम, क्योंकि मैं 15 सालों से नहीं नहाई। अब मैं मेरे शहजादे मोती को ये दावत दूंगा कि आए और हमारे सामने कुछ भौंके, मतलब कोई कुछ शेर पेश करे। हुई हुई। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी, हम दोनों मिलकर लिखेंगे एक प्रेम कहानी। वाह, अब हम गुजारिश करेंगे हमारी होने वाली बहू से कि कुछ चंद शेर पेश करे। हुई हुई। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खून अपना हो या पराया हो, खून नस्ले आदम का है आखिर, जंग मखरिफ में हो या मगरिब में, अमले आलम का खून है आखिर, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। क्या शेर पड़ा है, वैसे आपके शेर में बगावत की बू आ रही थी। हुई हुई। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे दामाद को कि वो कुछ कलाम पेश करे। या खुद की कलम ढीली हो गई या कलाम क्या खाक पेश करेंगे। ए जी सुनिए ना, जरा मेरे बारे में भी कुछ शेर बोलिए ना। उन किताब रखी हैं आपने? यार चुप रहिए यार, बाल नोचते ही हो। अर्ज किया है कि डामर जैसा रंग है तेरा, झाकर जैसे बाल, देख तुझे बेहाल हुआ मैं, ऐसी है तू माल। वाह 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 वाह। अरे देखिए भैया, कमाल कर दिए। वाह वाह वाह, क्या बात है दामाद जी, बहुत बहुत उम्दा है। और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे दूल्हे राजा। हुई हुई। अर्ज किया है, दिल की वो शहजादी थी, हुस्न की वो आबादी थी, ना वो हैदराबादी थी ना ही इलाहाबादी थी, मेरे दिल के चाले की सिर्फ वो एक अदद चाबी थी और वो मासूम भाभी थी। मासूम भाभी थी। वो
नज़्म पढ़ी है तुमने? बेसाख्ता बेख्याली में पड़ गया बस ऐसे। नहीं, ये आपकी नज़्म में जिस भाभी का जिक्र आया है वो कौन सी भाभी? और किसकी भाभी हो सकती है? आपकी भाभी है और कौन? अरे तो बोलो ना, आपकी भाभी है। मासूम भाभी बोलने का क्या मतलब है? मैंने बोला था वो, लेकिन आपकी क्या है वो साइलेंट रह गया। विभू, इट्स नाइस। हाय दिया। ओह गॉड, इतना फनी था सब कुछ कि मैं सोच के हंसी आ रही है। हाँ अनीता जी, हमको तो ना वो सब याद कर के इतना हंसी आता है कि क्या बताएं। आप लोगों को हंसी आ रही है और ये सोच के मेरी रूह कांप रही है, मेरी जान सूख रही है। हमारी तो आत्मा ये सोचकर कांप जाती है कि अगर कहीं भाभी जी की शादी उस मुस्टंडे के साथ हो जाती तो। तिवारी, सही कहा आपने। मतलब भाभी जी से कमसिन कली, मतलब अपना ये मासूम लेडी की शादी अगर उस मुस्टंडे के साथ हो जाती तो क्यों कह लीजिए कि हुस्न की मखमली चादर पर कुछ बेतरतीब सिलवटें पड़ जाती, कुछ इस तरह। क्या कह रहे हो? बोले जा रहे हो क्या? ये फ्लावरी लैंग्वेज में बोल रहे हो? सिलवटें पड़ जाती, चादरें बिछ जाती। किसी को इंटरेस्ट भी है, किसी को समझ में भी आ रहा है? बस बोलते जाओ। भाभी, सिलवटें क्यों पड़ी ये हमारी समझ में आ रहा है। बुढ़िए ना, जो बीत गई सो बात गई। क्यों तिवारी जी? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है अनीता जी। हाँ ये बात पे हम कछु बोलते हैं। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है भाभी जी। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। सही पकड़े हैं। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, अब मुर्दे का खाक जिया करते हैं। वाह बेहतरीन। इतना भयानक हादसा तो मैंने ख्वाब में ही देखा है। इसे तो बेहतर होगा कि मैं ख्वाब समझकर ही भूल जाऊं। हट, हट, भाभी जी घर पर हैं। ये क्या है? अभी तक आप टार्जन के गेटअप में घूम रहे हैं। ऐसे कैसे उतार दें भाभी जी? क्यों, आपको दोबारा क्या जंगलियों के पास जाना है? नहीं नहीं भाभी जी, जंगलियों के पास दोबारा जाने का इरादा नहीं है। लेकिन हम आपका एड भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकते ना। अब कोई विज्ञापन वगैरह नहीं बनेगा। क्यों मिनल, क्यों नहीं बनेगा? अरे क्या बताऊं यार अनु, पता है मैं ना अनुराग के साथ ना शूट कर रही थी और अनुराग डायनासोर बना हुआ था। फिर अचानक ना कुछ लोग चिड़ियाघर से आए और अनुराग को ना डायनासोर समझकर उठाकर ले गए। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर ना अनुराग को देखने के लिए ना लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं ना बड़ी मुश्किल से ना उनके चंगुल से अनुराग को छुड़ाकर लेकर आई। बेचारा अनुराग ना अभी भी ना सदमे में घर पे बेहोश पड़ा है। तो फिर अब क्या करेंगे एड फिल्म का? आई एम सॉरी अनु, मुझे ना अभी पता चला कि जिस एड कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, वो एड कंपनी ही फ्रॉड निकली। अरे यार, हमारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया ना। एक तो टार्जन बनने की वजह से इतनी मुसीबत झेल कर आए, अब तो टार्जन बनने का सपना भी अधूरा रह गया। अच्छा तो ना मैं अभी काम करती हूँ, मैं ना अभी ना चिड़ियाघर वालों को फोन करती हूँ, आपका ना टार्जन बनना भी जाया नहीं जाएगा। क्यों तुम टीवी? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।